अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे के ईद स्पेशल प्रोग्राम। और आप सबको, तमाम हमारे नाज़रीन जो दुनिया भर में हमें देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद के इस खुसूसी मौके पर सवाल से आगे, आप नॉर्मली तो प्रोग्राम में बड़ी सीरियस गुफ्तगू देख रहे होते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम की खास बात यह होगी कि सवाल से आगे बढ़कर हम सवाल नहीं करेंगे, आज गुफ्तगू होगी और कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे साथ जो हमारे खुसूसी मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में जो आज शरीक हैं, हमने जिनको दावत दी है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी रिसेंटली चंद दिन कबल ही इस्लामी जमहूरिया ईरान का दौरा किया पाकिस्तान की एक सहाफ़ियों की डेलीगेशन ने, बशमूल मेरे, हम 6 सहाफ़ी थे। और वो विज़िट कैसा रहा पाकिस्तान और ईरान को एक दूसरे के करीब, लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए, वो किस हद तक ज़रूरी वो विज़िट कंसिडर किया जा रहा है, क्या क्या हमने वहाँ पर देखा, किस हद तक हमारा खुशगवार एक ट्रिप रहा, सफ़र किस तरह से खुशगवार था, और क्योंकि हमने सफ़र उसमें बिल्कुल भी नहीं किया, हमने बड़े अच्छी मेमोरीज़ के साथ सब वापस आए हैं। और आज हमने उसी डेलीगेशन में शामिल तमाम सहाफ़ियों को अपने प्रोग्राम में मधु किया। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के प्रेजिडेंट जनाब अनवर रज़ा साहब, जो कि हमें लीड कर रहे थे हमारे ग्रुप को। अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन को बताते चलें कि तमाम वो चेहरे ये आप टीवी स्क्रीन्स पे अपने देखते रहते हैं, इनको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अनवर साहब जो है वो पब्लिक न्यूज़ के साथ एफिलिएटेड है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ईरान विजिट के बाद हम फिर सारे इकट्ठे एक साथ बैठे और वो जो यादें थी वो फिर एक दफा ताज़ा हुई। मैं चाह रही हूँ वो नाज़रीन तक भी वो यादें और वो जो सफ़र था और वो जो एक्सपीरियंस था वो नाज़रीन तक हम पहुँचाएँ। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सुमेरा खान, समीरा खान, जिनको ईरान में भी सब जो है वो समीरा पुकारते थे। आप जानते हैं समा टीवी के साथ आप मुंसलिक हैं सुमेरा खान, और वॉर और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को कवर करती रही हैं, बड़ी माशाल्लाह दिलेर और बहादुर हमारी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, साफ़ी हैं, और आप उनको अपनी टीवी स्क्रीन पे देखते रहते हैं, जिस तरह से वो रिपोर्ट करती हैं बड़े ख़तरनाक इलाकों से और बग़ैर किसी डर खौफ के। सुमेरा, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया रीना, आपको भी ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट। हमारे साथ मौजूद हैं शम्स अब्बासी साहब, आप एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं APP, और इकॉनमी की बीट कवर करते हैं, माशी मीशत से मुतालिक, बजट से मुतालिक आप तमाम खबरें और जो हमारे मुल्क की आवाम फेस कर रही है, जिस तरह का एक फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, कुछ उस हवाले से भी हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे कि हमें कुछ बेहतरी आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रही है। और शम साहब भी हमारे साथ क्योंकि उस ग्रुप में शामिल थे और हमारे साथ एक्सपीरियंस जो है वो आप तक पहुँचाएंगे। शम्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक, और मेरी तरफ से तमाम कौम को ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ जो तशरीफ़ रखती हैं खातून, उनके हवाले से मैं ये ज़रूर कहती चलूँ कि अगरचे कि उनका काम उनकी वजह शोहरत है, लेकिन उनके काम के साथ साथ उनका नाम भी ऐसा है कि बाज़ दफ़ा ट्रोलिंग का भी शिकार हुई है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी में स्पाइक नज़र आया है, तो उनका काम और उनका नाम जो है वो नेचुरली वो एक बहुत वेटेज रखता है। मरियम नवाज़ साहिबा, मरियम नवाज़ खान जियो न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, एफिलिएटेड हैं, और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, तमाम अदालती जो मामलात हैं उसके हवाले से अगर आपको तफसीलात चाहिए होती हैं तो आप नेचुरली आप इनको सुन रहे होते हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम मदीना, आपको भी ईद मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया, और ज़रा नाज़रीन को बता दें कि आपके नाम की वजह से आपको ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पर, या आप लगता है पॉजिटिव फैन फॉलोइंग बड़ी है? मुझे आइडिया नहीं था कि आज इस दिन पे भी मेरे साथ ये नाम की वजह से ये होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जाहिर है जब हवा किसी और तरफ चल रही थी तो ज़्यादा ट्रोलिंग होती थी, आजकल किसी और तरफ चल रही है तो तारीफ़ें भी होती हैं। तारीफ़ें भी होती हैं। मरियम के साथ शुरू रखते हैं वसीम अब्बासी साहब, आप पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के बड़े माशाल्लाह से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक रहे और इस वक्त हेड ऑफ़ न्यूज़ हैं वी न्यूज़ में, और वसीम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, और ईद मुबारक आपको भी और आप सबको भी, बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ। बहुत शुक्रिया। अब ज़रा हम एक गुफ्तगू के सेशन को स्टार्ट करेंगे, तो ये सवाल नहीं है हमारे प्रोग्राम में आज, अब हम आपको बताना शुरू करेंगे कि हमने, और कौन पहले बताएगा प्लीज, अनवर साहब चूंकि हमें लीड कर रहे थे हमारे ग्रुप को, हर मुश्किल काम मेरे जिम्मे, बड़ा चैलेंजिंग काम था हमें लीड करना, हम सारे हम बाकी पांच को साथ चलाना। पहले तो मुझे सुनहरा खान ने काबू में, बड़ी मुश्किल से, एक डर भी था, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है
कि जब हम इकट्ठे थे, नहीं वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम बड़े अच्छे से एक फील्ड में, लेकिन इस ट्रिप में जितना हमें एक दूसरे को समझने का परखने का मौका मिला, ये बड़ी अच्छी यादें थी। यकीन जानिए वसीम 2001 से हैं, मैं 98 से हूँ, हमें इस ट्रिप में इतनी एक दूसरे के बारे में पता चला, इतनी ज़्यादा हमारी केमिस्ट्री मिलती थी। इस ट्रिप में जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि हम सब लाइक माइंडेड लोग थे, किसी ने एक दूसरे को इरिटेट नहीं किया, हमने बड़ा एंजॉय किया, खुल के बातें की, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के साथ हमने मजाक भी किया और एंजॉय किया इस ट्रिप को। और आप देखें ना, मरियम थी, मरियम बड़े शायद थी पहले, फिर आहिस्ता इन्होंने कहा, मरियम को पता चल गया, मरियम को पता चल गया कि ये सब हम एक ही हैं, यहाँ कोई वो नहीं है कि कोई आपने खबर ब्रेक करनी है। बिल्कुल। तो शम्स को आपने देखा कभी गुस्से में, कभी ये नरम और गर्म दोनों इनका काम भी बड़ा अच्छा रहे। वसीम को आपने देखा, वसीम ने इस पूरे ट्रिप में सवाल है किसी को बोलने का मौका दिया, बड़ी मुश्किल से आज बोले, आज आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, आज तुमने खुद आज माइक प्रेजेंट साहब के पास। और वसीम की वजह से नाज़रीन के लिए भी हम हंस हंस के सारे लोट वोट हो रहे होते थे, कहके लगा रहे होते थे। और इंटरेस्टिंग बात जो नाज़रीन तक मैं चाहूंगी, वसीम आप भी इसको जरूर उस पे चिप इन करें, जो हमने वहाँ पर जो चीज़ें देखी और जितनी सिमिलैरिटीज हमने देखी कल्चर के समेत लैंग्वेज के लिहाज से, कि हमें एक परसेप्शन हमारे माइंड में था ईरान के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, और जो हमने वहाँ पर विटनेस किया, वसीम स्पेशली बहुत ज़्यादा इस कॉन्वर्सेशन को लीड करते थे, कि हमारे तर्जुमा करके हमें बता रहे होते थे, बाज़ दफ़ा कभी ऐसे तर्जुमे भी होते थे। मकसद आपको महसूस करना था, वैसे ईरान का दौरा वाकई में एक बहुत यादगार दौरों में से एक है। मैं 15-16 मालिक में गया हूँ, लेकिन इस तरह दोस्तों के साथ इकट्ठे जाने का बहुत कम मौका मिलता है और वो बहुत ही मेमोरेबल सफ़र होता है, तो बहुत अच्छा लगा। पहले तो ईरान हम जा रहे थे तो हमारा ख्याल था कि पाबंदियों का शिकार एक मुल्क है, जो कि पता नहीं एक डेजर्ट है, एक बड़ा गर्म मुल्क है, और वहाँ पर पता नहीं क्या सहूलियात होंगी, लेकिन वहाँ जाकर हमें बड़ी सिमिलैरिटी का एहसास हुआ। 50% तो हमारी ज़बान मिलती है, मुझे तो यूँ लगा जैसे हम ना अपने मुगल दौर में वापस पहुँचे हैं, कोई 300-400 साल पुराने। हर चीज़ पे फारसी इबारत लिखी हुई है, लोग फारसी में बात कर रहे हैं, बड़े अदब अदाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सदर साहब ने वहाँ पर डिस्कवरी की कि सिर्फ अदब अदाब से ही बात नहीं कर रहे, बल्कि एक इमामज़ादा की बहर में एक गाली है वो भी गाली किसी और ने दी, हमारे मेहमान ने दूसरे को दी, सदर साहब ने फौरन भांपा करते हुए कि ये जरूर गुस्से में है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला फारसी में गुस्से में, आपको तो उनकी गालियां भी हमारी अपनी जैसी लगती थी, कारपेट्स भी हमारी अपनी जैसी, बाजार अपने जैसे, लोग अपने जैसे, शक्लें हमारी इतनी मिलती थी कि लोग हमसे पर्शियन में बात करते थे और लोग समझते थे कि हम वहां से आए हैं। शम्स को गिला रहा है कि उन्होंने रियायत नहीं की हमारे साथ, उनके शॉपकीपर ने जो पाकिस्तानी थी वो मोहब्बत करते हैं, उन्होंने हमारी एज अ नेशन साइकी है हमारी, कि हम लोग चाहते हैं रियायत के लिए बार्गेनिंग के लिए, तो वो बात, वो बार्गेनिंग तो आपने बहुत अच्छी की ना, तो आप देखें मैंने आपको कितनी रियायत दी। शम्स इकॉनमी कवर करते हैं, तो बार्गेनिंग आप किस हद तक वहां पर कामयाब थे करने में? आई थिंक हमारा तो कल्चर है, हम हर लेवल पे करने की कोशिश करते हैं आना इस तरह। हाँ लेकिन 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 वहाँ शायद आई थिंक सो कि वहाँ कल्चर है, हमारे लेवल पे इस लाइक अवर कल्चर, यस। लेकिन लेकिन वहाँ इवन वो भी साथ जो थे वो भी इनकरेज नहीं कर रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन सक्सेस मेरे ख्याल में एक दो दफा हुई, लेकिन एक दो दफा बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और वहाँ से मरियम मैं चाहूंगी आप भी बताएं कि जिस तरह जो इंटरफेथ हार्मनी हमने देखी, मतलब वो नाज़रीन के लिए भी कि वहाँ पे उनकी चर्च हो और जिस तरह से उनको उसको बनाया गया, उसका आर्किटेक्चर हो, और हमें बताया भी गया था कि जी उसको किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश से बचने के लिए बाहर से उसको बनाया इस तरह से जाता था कि वो बाहर से एक मस्जिद का मैं बिल्कुल सच कहूँ, लाइक ऑनेस्टली जब हम लोग अभी गए नहीं थे तो, क्योंकि जब भी हम सोशल मीडिया पे या मीडिया पे देखते हैं ईरान के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूज़ होती है वो नेगेटिव होती हैं, तो दिमाग में बेशक हम जर्नलिस्ट हैं लेकिन ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव किस्म का परसेप्शन था, एक फियर सी थी कि पता नहीं वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन जब हम वहाँ गए और जिस तरह का उनका कल्चर था, या पहली जो मेरी वहाँ पे जाके पहला जो शौक था हमें वो ये था कि एक तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी हमारी ही जैसी, फिर वो लोग जो हमें बताया गया था कि बहुत सख्त होते हैं या शायद बहुत वहाँ पे कंजर्वेटिव किस्म का माहौल होगा, वो हमें नहीं मिला। सेम लाइक आर्स इसी तरीके से था, सब लोग आपस में घुल मिल रहे हैं, आपको की तरफ वेलकमिंग उनका एटीट्यूड है। दूसरी बात ये थी कि उनके जो वहाँ पे उनका अपना जो हेरिटेज है उन्होंने उसको प्रिजर्व तो किया हुआ है, लेकिन ईरान के बारे में जो मुझे आज तक का डेटा मिला था जाने से पहले जैसे थोड़ा पढ़ा था, उसमें यही था कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमान हैं
और कोई और मज़हब के लोग नहीं हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे तो सभी हैं सेम लाइक आर्स। शायद हमारे यहाँ वो इतने अच्छे हालात में नहीं भी रह रहे होंगे, लेकिन ईरान में तो वो काफ़ी अच्छे हालात में ही वो लोग रह रहे हैं। क्रिश्चियंस थे, ज्यूज थे, और उसके बाद आर्मेनियंस की जो हमें एक कम्युनिटी थी जो जुल्फा एरिया था उनका, जहाँ पर वो सारे बसे हुए हैं, वहाँ पर किंगडम अब्बास वन ने जिस तरह से उनको सेटल किया वहाँ पर। और अदर देन डैट आप सबने भी देखा, मैंने भी, कि ईरान ने किस तरह से अपनी हिस्ट्री को मेंटेन किया हुआ है, और ईच एंड एवरी पर्सन नोज कि उनके हीरोज कौन हैं, उनके मुल्क में किस किस ने क्या किया। तो मेरा वहाँ पे, और जो हम परसेप्शन की बात करें, हमारा एक परसेप्शन था, उनका भी जो परसेप्शन था हमारे और हमें जो नज़र आया वो ज़रा बताएं नाज़रीन को, और हम किस हद तक उनको बताने में, अपने मुल्क के हवाले से बताने में, कि मतलब इवन हमारे प्रोविंसेस में, सर्टन प्रोविंसेस में वो समझ रहे थे कि जी हुकूमत ही नहीं है वहाँ पर। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपके भी वहाँ पर जो एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है, तो आई वॉज लुकिंग एट यू जब वो एक बलूचिस्तान के हवाले से हमसे न्यूज़ रूम में एक सवाल हुआ, और तेहरान टाइम्स अब अच्छा खासा, इट्स वाइडली रेड और द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी, अच्छी खासी उसकी अंडरस्टैंडिंग है मैटर्स पे, बट एक झटका सा लगा था मुझे भी, अलीना को भी, बाकी सारे, कि जब वहाँ पे उनके एडिटर इन चीफ ने सवाल पूछा कि सिंस यू कवर डिफेंस वगैरह, शायद कुछ ऐसा गालिबन सवाल था, बॉर्डर्स पे क्या सूरत हाल है, क्या वाकई आप लोगों की तरफ से इतने दहशतगर्द जाते हैं या वो, और क्या बलूचिस्तान आपके मुल्क का हिस्सा है। तो उधर वी गॉट द आइडिया कि जो चीज़ें पाकिस्तान से डिसेमिनेट होनी चाहिए टूवर्ड्स नेबर्स, वो नहीं हो रही हैं, एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई जा रही। तो जब हमने तफसील में बताया, और फिर हमने आखिर में एक हल्का सा उनको कहा भी कि अगर आप एक पॉलिटिक्स जैसा शोभा कवर कर रहे हैं न्यूज़ एजेंसी में, तो आपको पाकिस्तान के ऊपर एक इन डेप्थ स्टडी करनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने अलखानी दौर को, सलजूकी दौर को, ससनी दौर को और सफवी दौर को इतनी डिटेल के साथ उन लोगों ने प्रिजर्व किया है, कि एक लम्हे को मुझे दुख भी हुआ कि हमारे पास भी कमी नहीं है, हिस्ट्री की कमी नहीं है, मगर हम उसको क्यों नहीं मौका देते पनपने का। द सेकेंड थिंग जो कि हमने एक होटल था वहाँ पे, इंडियन होटल था इन तहरान, जहाँ हम चाय की तलाश में गालिबन गए थे, एंड वी सॉ दैट कि उनके हर रेस्टोरेंट के अंदर उनके जो जितने भी रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं, हाफिज़ हो, सादी हो, एवसीना हो, फिरदौसी हो, या किंग्स के नाम ले, तैमूर हो, इनके हुमायूं हो, इनके मुजस्मे लगे हुए हैं और सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही प्लेट्स लगी हुई हैं एवरीवेयर। तो यानी आपकी एग्जैक्टली यानी आपकी यूथ आके अगर वहाँ पे एक कप चाय भी पिएगी ना, तो दे विल हैव दैट इनडायरेक्ट कनेक्शन, पढ़ेंगी तो ज़रूर ना, तो दे विल नो हमारा सफ़र क्या रहा है। दैट्स वाई दे आर प्राउड टू बी ईरानियंस, चाहे कुछ भी। बिल्कुल सही कह रही है, और नाज़रीन को भी बताते चलें कि नेशनल उनके जो म्यूज़ियम था उसका दौरा किया हमने, हाँ। मिलाद टावर का दौरा किया, एक उनका बड़ा खूबसूरत बुक गार्डन था, बहुत ही हसीन तरीन, और वो हम नाज़रीन को अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि उनके जो उनकी लोकेशन है वहाँ पर, और जिन जिन जगहों का हमने दौरा किया, और वहाँ पर अनवर साहब जो खाने थे वहाँ के, हमने बड़े इन्जॉय किया। हमें हमसे पूछा जाता था कि आप लोग फास्ट फूड खाएंगे या क्या खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, तो हम कहते थे नहीं, हमने यहाँ के लोकल जितने खाने वसीम ने खाए और मैं कहता हूँ जो फेवरेट खाना था शिश कबाब, शिश कबाब, ज़ाफ़रान राइस थे, आप देखिए चिलू कबाब, मुझे तो ये बड़े अच्छे थे, उसको दोनों हाथों से ग्रैब किया बिल्कुल, फूड, और सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनिक फूड, दोनों हाथों से ग्रैब किया, ऑर्गेनिक फूड आपके ऑर्डर भी मैं देता था। अच्छा, ये ना वेट भी आपको पता नहीं क्या करें, सबने मेरे ख्याल से सबने वेट गेन किया, और मैं बताता था कि ये क्या चीज खानी है, ये टिक्का है, ये क्या है, क्योंकि ट्रांसलेट भी करते देता था, हम सभी पहली दफा ईरान का दौरा कर रहे थे, और अब हम इस्फहान भी गए, हम कुम भी गए, तो हमने बड़ी उनकी जगह एक्सप्लोर की, और रिलीजियसली भी बीबी मासूमा कुम के रोजे पे भी जाने का हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। भी आपने शॉपिंग की, हम आपको ढूंढ कर नहीं, शॉपिंग सबसे ज्यादा शॉपिंग
किसने की? वसीम मेरे ख्याल से। उसके बाद मरियम ने, फिर वसीम ने, फिर आपने, हमने शायद अपनी तरफ से सोचा था वो जो मिठाई के डिब्बे जो ईरानियन गज़ है जी, गज़ ईरानियन गज़ की मुझे खूबसूरती ये लगी कि इवन ईरान में रहने वाले आर स्पेशली ट्रैवलिंग टू हैव दैट इस्फहानी गज़। बिल्कुल। और हम अपनी तरफ से 10-10, 15-15 डिब्बे लाए, पैकेट्स अलग लाए, चॉकलेट्स अलग लाए, वो कम पड़ गई है, वो कम पड़ गई है। वो कम पड़ गई है। आपको लगा डिफरेंस और महंगा है या सस्ता? बहुत है। देखिए एज अ होल ईरानियन जो मार्केट है, जाहिर है वो एक्सपोर्ट्स भी वहाँ कम है और ज्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। उसके अंदर कम्पटेटिवली मैं कहूँ कि कंपैरिजन अगर पाकिस्तानी मार्केट से करें तो वहाँ मेरे ख्याल में ज्यादा कम्पटेटिव अच्छी प्राइस मेरे ख्याल में आ रही थी, और एज अ होल मार्केट जो है वो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है होता है हमारा वो करने का। उसके बाद एज अ होल आप मार्केट में आप देखें चीज़ें भी आई थिंक स्टैंडर्डाइज थी, लेकिन आई थिंक थ्रू इलीगल ट्रेड या जो भी था उसके थ्रू मार्केट्स में चीज़ें तो यूरोप की भी इवन आपको फ्रांस की आपको मुख्तलिफ चीज़ें इवन आपको परफ्यूम्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन विद इन डैट ईरान की इकानमी में ये अगर चेंजेस अगर मैं देखूँ कि ईरानियन इकानमी का इंटरनली उन्होंने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा की है मुख्तलिफ साइज, इवन फार्मास्यूटिकल देखेंगे, इवन आप मुख्तलिफ उनकी लाइक कपड़े का भी तकरीबन उनका अपना मेजर अच्छा ही था। उसके अलावा साइंटिफिक इन्वेंशन मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने अपनी प्रोडक्शन उनकी बड़ी अच्छी रही, और उन्होंने उनकी अपनी फार्मास्यूटिकल में कितना ये और इवन एग्रो में उन्होंने और बाकी उनका अपना कुजीन आप देख लें जो प्रेसिडेंट साहब से आपने कंस्ट्रक्शन में और व्हाट डू यू थिंक कि ईरानियन की हमारी एक परसेप्शन थी कि ईरानियन लाइक हम पाकिस्तानियों का आमतौर पे होता है कि जो अवेयरनेस का इशू था हमारा मेरे ख्याल में ईरानियन का हमारी तरफ है और हमारा ईरानियन की तरफ अवेयरनेस का इशू है। जैसा आपने मिलाद टावर देखा तो इस फुल ऑफ टेक्नोलॉजी के वो पूरे रीजन को वो वहाँ से अगर उसकी एक्सपोजिशन अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें तो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक नेटवर्क है। अगेन उनकी बजट एलोकेशन बड़ी जबरदस्त है, उनके टू एरियाज सड़े वालों ज्यादा अमीर एक एलोकेशन के अलावा आप देखें कि उनकी सड़कों की सफाई आपने देखी है कितनी अच्छी बनी है, पक्की सड़कें कहीं पे कोई गंद नजर नहीं आता, सफाई है। और रात के वक्त सिक्योरिटी का ये आलम था कि आपने देखा होगा कि किस महान में हम गए थे तो रात के वक्त कपल्स लोग फैमिलीज आके पार्क में खाना खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से। एक उनका सीओ से पुल है इस्फहान में जहाँ पर वो 35 पिलर्स के साथ बनाए गए और 400 ईयर ओल्ड है और अभी भी वर्किंग है। वो कह रहे हैं कि आज से 60-70 साल पहले तक, हालांकि बना वो घोड़ों के लिए था, 70 साल पहले तक ट्रैफिक भी चलती थी। और ये हसीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं ईद के खुसूसी मौके पर। हमारे साथ तमाम हमारे खूबसूरत मेहमान मौजूद है। एक साइड उसका उस ब्रिज का जो है रॉयल फैमिली के लिए भी उन्होंने। अलीना, अब आपसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमने एक चीज बड़ी डिस्कस की थी वहाँ पे, the way families were celebrating their weekends, वो मैं चाहूंगी जरा आप अपना, क्योंकि how lovely, I think वही चीज मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान में होना चाहिए, parks में families बच्चों के साथ couples जो हैं पूरे बैठे हुए हैं, फ्लावर्स लेकर खाने पीने के लिए, शायद इस वजह से भी सुकून है। और बड़े इंजॉय करने वाले हमें वो वहाँ की कौम नजर आ रही थी और जिंदा दिल लोग थे। रात के चाहे जिस भी पहर में 12-1 बजे आपको फैमिली जो है वो बाहर नजर आ रही होती थी, बाजार उनके खुले हुए होते थे, हमने उनकी बड़ी आइसक्रीम से लेके उनकी वहाँ पे बाजार जो थे आइसक्रीम का, लेकिन फिर वो अच्छा ढूंढ रहे थे इस क्वेश्चन में। मैं एक इंटरव्यू इस तरह है कि आपने एज अ होल जज किया होगा कि वहाँ जो इकॉनमी में विमेन पार्टिसिपेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो मैं एक चीज़ को आई थिंक सारे रीजन के कंट्रीज को कंपेरेटिवली पाकिस्तान के साथ करूँगा कि पाकिस्तान में विमेन के लिए इवन इकॉनमी में या बिजनेस में स्पेस शायद आई थिंक इतनी ज़्यादा नहीं है, और एक पूरा होलिस्टिक इन्वायरमेंट एंड कल्चर होता है जिसमें खातून बाहर निकल सकती है, तो आप फैमिली भी उस कल्चर में बाहर निकल सकती है। आपने देखा इवन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी देखा मैंने गर्ल्स ज़्यादा बाहर आ रही हैं, इवन नाइट्स को भी बांग्लादेश में इवन वही कह रहे हैं कि उनकी 5 मिलियन जो ख्वातीन है वो इंडस्ट्री में है, जबकि आपके मोर देन 5 मिलियन जो ख्वातीन है वो आपकी भीख मांग रही है। कि जो हम ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट किया हमने वहाँ विमेन ज्यादा थी, तो ये एक एक्सेप्शन है।
आप कहेंगे मैं तो विमेन एम्पावरमेंट जो कहता हूँ वो खातून की जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है, उसके अलावा सारे ऑफशूट्स होते हैं। मरियम जरा नाज़रीन को बताइए, जो हम न्यूज हमने ऑर्गेनाइजेशन हमने बॉर्नर न्यूज विजिट किया और जो सुमेरा भी जिस तरह से कही थी, हमने तेहरान न्यूज तेहरान टाइम्स हम गए थे, वहाँ पे खवातीन की तादाद स्पेशली बॉर्नर न्यूज में कितने हमसे दिलचस्पी के साथ हमसे वो जानने की कोशिश कर रहे थे, क्यूरियोसिटी थी उनमें कि हमारे न्यूज की एटमोसफेयर किस तरह का है, हमारी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में वो न्यूज की वर्किंग किस तरह की है, क्या हमारे भी इसी तरह से डेस्क मख्तस होते हैं इकोनॉमी की बीट के लिए, स्पोर्ट्स की बीट के लिए, तो वो बताइएगा जरा नाज़रीन को। उनके न्यूज रूम और हमारे न्यूज रूम का जो ओवरऑल एटमोसफेयर था सेम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ठीक है स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन क्योंकि उनके यहाँ स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है, हमारे यहाँ तो हम बहुत ही आज़ाद हैं, हमें लगता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ, लेकिन अगर उनसे कंपैरिजन में हम आए तो हम बहुत आज़ाद हैं। और ओवरऑल आपने देखा होगा वो बड़े धीमे से लोग थे, हम तो बहुत लाउड हैं, तो उनके न्यूज़ रूम में बहुत खामोशी थी और हमारे न्यूज़ रूम में तो तकरीबन मछली मंडी होती है, एक से दूसरे बंदे की आवाज़ आपको नहीं आ रही होती जब सब लोग वहाँ पे मौजूद हो, जिस तरह वहाँ पे लोग मौजूद थे। मैंने वहाँ पे भी आप लोगों से बार बार यही जिक्र किया था, हम जहाँ भी जा रहे थे नॉट जस्ट न्यूज़ रूम, उनके हर जगह नहीं, उनकी खवातीन बहुत ज्यादा खेलते थे, कहका लगाते थे, इतना पॉपुलर था हॉस्पिटल की खातून ने कहा जरा था और भी खुशगवार हमारा मरीज साहब मेरे साथ क्योंकि मैं इसलिए वेमेंस की तारीफ कर आपको ठीक से बताना चाहिए, हम जहाँ भी जाते थे किसी भी जगह घूमने के लिए या वैसे भी किसी विजिट पे, तो वहाँ पे शम्स भाई जो है वो अक्सर गायब हो जाते नहीं नहीं मैं गायब नहीं इस तरह गली में गायब कर लिया जाता था, ये नेशनल टीवी में आप जाते थे। और एक दफा हम उनके पैलेस कैवे थे आसमान में, तो वहाँ मैं गुजर रही थी तो एक खातून जो है वो पिक्चर बनवा रही थी, ये मेरी फैमिली भी देख रही थी और उन्हें इनवाइट भी किया शम्स को साउथ अफ्रीका का, इनविटेशन भी दिया। क्या मेमोरीज हम वापस लेकर आए हैं वहाँ से, और यू थिंक कि हम वाकई में वहाँ के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को करीब आने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है, किस हद तक आप समझते हैं कि एक वो है, देयर इज अ गैप एंड इट नीड्स टू बी ब्रिज्ड। बिल्कुल तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि ईरान में अवेयरनेस नहीं है हमारे बारे में, हम बड़े हैरान हुए, हम समझे हमारे बारे में बहुत बताओ, हम बड़े मशहूर लोग हैं, काफी जानते हैं हमारे देखिए सिलेबस में प्राइमरी तक लोगों को हमने बताया, बहुत अच्छा मुल्क है, हमारी मदद की, लेकिन ईरान में हमसे लोग पूछते थे, याद है आपको कि एक न्यूज़पेपर में हम गए तो उन्होंने कहा कि आप बताइए अपने मुल्क के बारे में, मैंने कहा हमारे वसीम ने कहा सब्र करो मैं अपने मुल्क ही बताऊंगा, मैं तुम्हारे मुल्क का ही बताता हूँ। ये बात आप गवाह हैं, बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात जो उनकी मुझे अच्छी लगी बल्कि दूसरी बात जो हमने देखी कि उन्होंने अपने महल में ना अपने जो उनके पुराने तारीखी इमारात हैं उसमें पेंटिंग्स बना के अपने पुराने जमाने को दिखाया, उसमें पाकिस्तान इंडिया के हवाले से जो मुगल बादशाह थे ना हुमायूं उनका भी दिखाया, क्योंकि वो अकबर के बेटे थे हुमायूं, उन्होंने यहाँ से जब वो उनको डिपोज कर दिया गया तो वो ईरान गए थे, वहाँ से बना दी स्ट्रेंथन हुए वापस आए, वो भी एक पेंटिंग में वहाँ लगा हुआ था, और नादिर शाह का भी लगा था, इसको देखकर मैं दुख भी हुआ, तो यहाँ से नक्शे जहाँ भी लेके गए और कोई नूर भी लेके, जिसका हमने कहा भी इंटरनेट वहाँ पर का मसला था जो हमें बहुत मसला था, उसका हमें फायदा भी हुआ, हमने सोचा कि जिंदगी में और भी गम है जमाने में खबरों के, तो वो हमें इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला, हमें समझ आई, हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद जैसे इंटरनेट आता था झपटते भी सबसे पहले आता था, इंटरनेट ऐसा आता था जहाँ बारिश का जैसे हम इंतजार करें ना वहाँ पे इंटरनेट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और नाज़रीन को बताते चले जब हम
सफर में होते थे हम, जब तेहरान से इस्फहान भी जा रहे हैं या जब विजिट कर रहे होते थे, तो हम जो उनकी वैन होती थी जिसमें हम ट्रैवल करते थे, हम उसमें गाने लगवाते थे और पाकिस्तानी सिंगर्स को हम प्रमोट करते थे, हम उनको सुनवाते थे कि हमारे यहाँ पे कितना टैलेंट मौजूद है। और इनफैक्ट के उनका जो मशहूर गाना है, जो उनकी मशहूर सिंगर जी, वो किस तरह से हमने कोक स्टूडियो में और फ्यूजन के साथ हमने प्रेजेंट किया, दे रियली लाइक इट, दे रियली लव इट। उनके लिए बड़ी हैरान कन बात ये थी कि हमारे लैंग्वेज में कितने फारसी के अल्फाज हैं, उनके लिए ये बड़ा उनको चौंका देने वाली बात थी। और वैसे भी देखे ना कि जो मेजबान थे हमारे, उन्होंने कितना एंजॉय किया, और वो तो हमारे जो फर्स्ट टाइम पे, वैसे एंजॉय हमने किया, उन्होंने कम किया। उनके लिए हम चैलेंजिंग थे, लेकिन पॉजिटिव वे में चैलेंजिंग कर रहे थे कि ये डेलीगेशन बड़ा चैलेंजिंग था। और लेकिन आप सबके लिए और आप सबके लिए सरप्राइज उस हवाले से भी है, वो मैं प्रोग्राम के आखिर में आपको बताऊंगा जी। ऑफ द रिकॉर्ड, वो हमारे ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बताएंगे, लेकिन वो सरप्राइज बड़े अच्छे थे और लाइक माइंडेड थे, हमें अच्छा लगा, उन्होंने हमें बड़ा वार्म वेलकम भी किया। और हमारे साथ वो, आपको याद है कि जब हम वापस आए तो उन्होंने कहा 6 to 5 तक उनकी कोई जॉब का टाइमिंग थी, लेकिन वो रात 12-12 बजे तक भी हमारे साथ रहे, हमें घुमाते फिराते रहे और सर इरिटेट नहीं हुए वो हमसे, और उन्होंने हमें बहुत हमारी खातिर की और हमें जो खाना था नोट की कि वहां जाके हमारे अंदर जज्बा हुब्बुल वती की तरह जागा हुआ था कि हम अपने फतेह अली खान को किस वक्त से पेश करते हैं। मेरे ख्याल से वसीम आए थे, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप ना कोई पठान होता है, ना कोई सिंधी होता है, ना कोई किसी के ताल्लुक जीबी से होता है, सब कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी हैं और हम उसको एक स्ट्रांगली एडवोकेट भी करते हैं। काश मैं जो वहाँ पे आपका हुब्बुल वतनी का जज्बा था यहाँ पे भी हो, वहाँ पे आप हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके इंटायरली डिफरेंट हो इस घर में हम लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, हम अपने हुकूक के लिए बात भी करेंगे, हम कहेंगे भी कि हमें ये चीज चाहिए, इसकी कमी है, घर से बाहर जाके घर की इज्जत का ऑटोमेटिक हो जाता है। मुझे तो हमेशा होता है, अमरीका में भी गया हूँ, दुनिया के इस मुल्क में भी गया हूँ, यूरोप में भी गया हूँ, पाकिस्तान के अंदर जाके हम वीर बन जाते हैं। सच ये है कि हम पता नहीं किसके बंदे, इदारों के बंदे वहाँ जाके लगता है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने वहाँ पे प्रूव किया कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने अपने और हम पाकिस्तानी हैं, बात कर रहे हैं बनने की बात, ये तो आपने जबर किया ना, आपने जबर किया, आपने उन पर तशद्दुद किया, जबर किया आपने, लेकिन हमने गाना उनकी जहनी हालत पे मरियम गवाही देगी कि मरियम शाजिया खुश को किस गाने पे ज्यादा खुश थे, मरियम आप बता। मरियम मुझे दे दी गाना, मरियम की वैसे नॉर्मली मरियम की प्लेलिस्ट हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शाजिया खुश वाज नॉट पार्ट ऑफ माय नहीं, वो YouTube से लगा, यू कैन ऐड। अच्छा हमारे ये मकरान का म्यूजिक है जो हमारे भी किरमान वगैरह का म्यूजिक है, तो वो मिलता है, सिमिलैरिटीज इतनी थी, वसीम से एक और चीज बड़ी मंसूब है, वो नहीं बताएंगी, सर्विसों पे दाजते हैं पहली डिस्कवर की जी जी, हाँ हम तो डाल दीजिए सब की बात, बड़े अच्छी वाशरूम को क्या कहते हैं, सर्वत में सर्वत बर्दाश्त किया लगे, और हमने ऐसा याद किया कि नाकाबले बर्दाश्त किया, याद किया कि सर्वत बर्दाश्त बिल्कुल। और मेरे ख्याल से लैंग्वेज नेचुरली एक बैरियर है, हम सब इस अजम के साथ वापस आए हैं कि हमने वापस जाना है और हमने पर्शियन सीखनी है, हमने पर्शियन जबान सीखनी है। लैंग्वेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू था कि आपने एक देखा होगा, आपने कहा होगा वहाँ अवेयरनेस नहीं थी हमारे बारे में, अवेयरनेस नहीं थी। एक चीज़ आपने देखा कि वहाँ सबसे ज़्यादा उनकी मूवीज़ जो ऑस्कर अवार्ड में जा रही हैं, बेस्ट थिंग इज़ क्रिएटिविटी की उनकी अपनी ज़बान है। हमारे साथ डिस्कनेक्ट ये हुआ था फर्स्ट कि हमारी कोर्ट लैंग्वेज भी अब इंडियंस ने इवन अडॉप्ट की हुई है, बहुत सारे उनके लिटरेचर्स में भी आती है, लैंग्वेज में भी, इकबाल की इवन जो पोइट्री है वो 60% अराउंड वो पर्शियन में, हमारा कुमित राना है इसमें एक लफ्ज़ उर्दू का है, बाकी 99% आप कहें ये पर्शियन का है। दे यूज टू टेक प्राइड इन एवरीथिंग, लाइक व्हेन दे मेंशन, जब एक चॉकलेट थी शुनीस गालिबन, हमें मरियम ने आदत लगा दी थी इसको खाने की डार्क चॉकलेट,
तो मरियम ने वैसे बाय द वे पूछा कि ये बाहर की है कि यहाँ की, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा. उन्होंने इसको फिर पूरी हिस्ट्री बताई कि फ्रॉम दिस थिंग टू चॉकलेट एंड कॉमन पिन और वगैरह वगैरह स्टेपलर पिन, हम हर चीज़ अपनी बनाते हैं. एंड व्हेन इट केम टू वेमेन, हमारा अटायर, हम जब वहाँ फिर रहे होते थे तो अक्सर ईरानियन ख़वातीन हमें ईरानी समझ के तीनों को आके गले मिलना, बात करना पर्शियन में, तो वो हम खुश हो रहे थे. तो उन्होंने कहा नहीं समझ रहे आप, उनका बड़ा मजे का एक हमारे कोऑर्डिनेटर्स का, हमारे तीनों इंटरप्रेटर्स का, उसके लिए भी एक लॉजिक था. वो कहते थे कि इस आप लोग बहुत प्यारे लग रहे होंगे यकीनन, लेकिन आप तीनों की रूट्स कहीं ना कहीं से ईरानी सरजमीन से मिलती है, इसलिए आप लोग ईरानियन लगते हैं. नहीं वैसे आप तो इसमें जो थिंग दैट वी शुड थिंक अबाउट कि मैंने जो चीज़ उनसे सीखी है कि चाहे कोई प्राइड आपका है या नहीं है, टेक दैट नेशनल प्राइड इन यू. और वो जिस तरह हमें हर चीज़ की सिमिलैरिटी ईरानी रूट्स के साथ दे रहे थे, लाइक अलीना से उन्होंने कहा कि जीबी के लोगों की फेसेस बहुत मिलते हैं यहाँ पे, ये सारी आइटेंड्री है तुम्हारे, मुझे कहते हैं तुम पश्तून हो, तुम्हारी रूट्स जो हैं वाया बलोचिस्तान, ईरान, सिस्तान, ये इलाके से मिलते हैं. मरियम को उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये तो आई वॉज अमेज. अच्छा एक चीज अलीना मैं और मेंशन करना चाहता हूँ, जो इन दिनों में हमारे पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रही है, आपने वहाँ देखा है कि आप वहाँ उनके मुकदस मकामात पे जाएं, उनकी सड़कों पे जाएं, उनके पार्क में जाएं, तो शोदा की तस्वीर बिल्कुल कितना फखर करते हैं वो आज के शोदा की भी है, आज कोई कैप्टन सिंधु की भी है, और वो आज से 200 साल पहले भी सिंधु उसकी भी है. ये हमने उनसे पूछा भी है कि ये क्या वजह आपके हर चौक पे, यानी हमारे हर चौक पे नहीं, हमारे तो कैंट्स में लगी होती है, उनके हर चौक पे शोदा की यादगार है. तो हमें अंदाजा हुआ कि, और मैंने उससे पूछा था सवाल कि ये क्या वजह है, वो कहता है यार हमारी जो हजारों साल पुरानी तारीख है ना, हमें ये शोदा ही देखा. तो वो फखर जो है वो उनका था, तो हमारा भी हमें भी समझने की जरूरत है. आपने कहा मेरा मुजस्मा. अच्छा अच्छा मैंने उनसे ये पूछा था कि कासिम सुलेमानी ज्यादा क्यों पॉपुलर थे, तो मुझे पता चला उन्होंने कहा कि जी एक तो दो बातें हैं बड़ी एक्सट्रीम, एक तो ये है कि आप ईरान के लिए लड़ते हैं, दूसरा सेकंड ये है कि आप इस्लाम के लिए रिलीजन के लिए लड़ते हैं. तो अगर आप सिर्फ ईरान के लिए करते हैं इट्स ओके यू आर ए हीरो, बट अगर दोनों के लिए करते हैं फिर आप एक्सेप्शनल हो जाते हैं. जिस तरह के कासिम सुलेमानी मॉडर्न हिस्ट्री में आप बिफोर डेकेड टू डेकेड्स उनके जो स्पिरिचुअल लीडर थे, देन करंट स्पिरिचुअल लीडर, तो ये और मुजस्मे भी इतने रियल लगने वाले, मतलब वो एक मुजस्मे के कदमों में इन्होंने भी तस्वीर बनाई थी, एक के कदमों में इन्होंने भी तस्वीर बनाई. पता था मुजस्मे, मैंने सही नहीं समझा. इन्होंने उसके कदमों में ऐसे हाथ रखा, मुझे दूर से लगा, मैंने कहा अलीना ये क्यों पांव पकड़ रहे हैं इस मुजस्मे के, अलीना कहती नहीं तस्वीर बना. और नाजिर इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद. एक बार फिर खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं ईद के खुसूसी मौके पर, हमारे साथ तमाम हमारे खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं. नाज़िम को वो भी बताएं कि जब हम लोग रेस्ट एरिया जो हम सफर कर रहे थे तेहरान से इस्फहान जाए थे, बहुत एयरपोर्ट से ज्यादा खूबसूरत, इवन लीडरशिप तक भी अगर पैगाम जा रहा है तो हमारे यहाँ पे मुल्क में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देते हुए हमें भी चाहिए कि हम उन ममालिक से कुछ ना कुछ सीखें और अपने आवाम के लिए कुछ कन्वीनियंस पैदा करें. वहाँ के रेस्ट एरिया जैसे थे जैसे कोई एयरपोर्ट के चीज़, वो थी ईरान मॉल. ईरान मॉल बड़ा अट्रैक्टिव था, उसमें आप देखिए सब कुछ था और आप एक ही छत के नीचे सब कुछ चीज़ें मौजूद थी. फिर आपने वो देखे फाउंटेन्स जो थे उसके साथ थे, लाइब्रेरी कितनी खूबसूरत थी, जहाँ पे मरियम और मेरा तनाज़ा खड़ा हो गया था, आपको याद होगा. मरियम कह रही थी मैं नहीं उठूंगा, मैंने कहा लेकिन बिल आखिर फिर मैंने सरेंडर किया और उन्हें खातून उन्होंने कार्ड इस्तेमाल किया, मैंने कुर्बानी दे दी. देख रहे हैं आपको मेरी उस कुर्बानी को एक्नॉलेज करना चाहिए. ये जो माल था बिगर माल जैसे बुजुर्ग जो था जी, इसमें इस पे जो टोटल लागत आई है $1 बिलियन $1 बिलियन और उसका जो सारा ओरिजिन में चेक किया था अराउंड जो है 14 to 16 जो है बिलियनर हैं उनके यूएस और स्विट्जरलैंड में. हाउ देयर ओवरसीज दे इन्वेस्ट इन ईरान, उनका हमारी तो ओवरसीज की बातें हैं ये देख लेना. मैं कहूँगा कि ओवरसीज का काफ़ी कंसनट्रेशन है, इवन पाकिस्तान के साथ उनका लगाव भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट उसी तरह पाकिस्तान में, अगर ईरान को अभी किसी ने बचाया हुआ है तो वो ओवरसीज हैं, उनके बिलियनर हैं 16 और वो थ्रू आए एक बैंक के, वो एक बैंक के थ्रू आए और उनकी वो जिस तरह भी वो इन्वेस्टमेंट, जाहिर है बैंकिंग चैनल्स के इश्यूज हैं, लेकिन वो जिस तरह भी ला रहे हैं तो वो जो
इवन $1 बिलियन का वो प्रोजेक्ट, उसके अलावा अगर मेजर प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे बिहाइंड वो हैं सर। सऊदी अरब ईरान को करीब लाने में पाकिस्तान के रोल को भी बड़ा सराहा था, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, और जो उनको जाहिर है नाम नहीं लिया और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि क्रिकेटर भी हैं और कप्तान भी हैं, 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया है, उन्होंने वो कहते हैं कि उन्होंने मीडिएशन भी की थी पाकिस्तान की ओर से। तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने भी क्लेम किया था, उन्होंने ये कहा था, लेकिन मीडिएशन के बारे में जो मेरी इत्तला है उन्होंने एफर्ट तो की थी लेकिन उनकी एफर्ट को इतना सीरियस नहीं लिया गया। हम आखिरी मिनट तक अनवर साहब की शॉपिंग के लिए सबसे आखिरी शॉपिंग किसने करवाई, हालांकि इनसे भी ज्यादा लेट किसी और ने करवाया था। नहीं 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 बात सुनो, ये की शॉपिंग के बाद वापस आए तो कौन खड़ा था शॉप पे? आपके पैसों को भी बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, जो 500 तमाम रह गए थे वो लगवाने के चक्कर में बिजनेस लाउंज में गए और हमने वहाँ पे हर चीज अवेल की थी और इनके पैसे वापस आए। बिजनेस लाउंज में आपकी खजूरें रह गई थी, मेरी कुछ चीजें रह गई थी लेकिन आप लोगों ने कोई चीज नहीं। लेकिन और मैं ये नाजरीन के लिए भी कुछ, हमें पता है कि कुछ कॉमेंट्स के बाद आपको पता है हर तरह के कॉमेंट्स आ रहे होते हैं और आप फिर ट्रोलिंग भी होती है और फिर कुछ लोग जो है वो बड़े जजमेंटल भी हो जाते हैं और फिर ये भी कहेंगे कि जी इन हालात में ये इस तरह से हाथ बोल रहे हैं और जी शॉपिंग कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, हमने कोई इस तरह की वो नहीं की। और आवाम के लिए मेरे ख्याल से हम में से कोई ऐसा नहीं है कि जो एडवोकेट उनके राइट्स के लिए नहीं करता हो या आवाम के हकूक के लिए बात नहीं करता हो या आवाम के मसाइल को उजागर नहीं करता हो, तो वो उसके लिए हमारी आवाज़ जो है वो मेरे ख्याल से रोज बरोज जो है मजबूत। आज तो खुशी का दिन है, कुर्बानी का दिन है और हमें हमेशा साल भर सैक्रिफाइस ही करते हैं अपने आवाम की बात करते हैं और वहाँ जाकर जो हमने देखा वो वापस लाके अपने मुल्क के लिए दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, कॉलम हम कह रहे हैं, मॉल्स को बेहतर करें, बाकी चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, सफाई को बेहतर करें, सफाई बेहतर करें। लेकिन आपको वहाँ के खाने कौन से अच्छे लगे? जिस तरह के ये कबाब बने हुए इन कबाबों में आपको जो कबाब पसंद है वही मुझे पसंद है। असल में बाहर जाके ना खानों का टेस्ट जरूर लेना चाहिए। मैं एडवेंचर करता था, मैं छोड़ी कोई चीज नहीं, एडवेंचर ऐसा किया ना कि मैं खुद बड़ा मुतासिर हूं। आपको एक चीज हम लोग मिस ना करें, उनकी ड्रिंक्स के लिहाज से, उनके जो शरबत थे, आपके जो शरबत शरबत के बारे में मुझसे पूछो, लैला से पूछे जो डिस्कवर किया था लैला मजनू, लैला और मजनू जो उनकी ड्रिंक्स थी कि मैंने और मरियम ने स्कंचवीन ऑर्डर की थी, उसके बाद हमने कहा नहीं हमने भी मजनू ट्राई करना है। मजनू खवातीन घोल के पी गई मजनू, बल्कि अलीना ने पिक्चर भी बड़ी मजे की बनाई थी। सबसे पहले अलीना हम उस मार्केट का जिक्र करेंगे, बचाऊंगी क्या वो भी दिखा दे, बहुत हंसी हमें आई। लैला इसी तरह का बड़े ग्लास में शरबत का नाम था, हमने कहा चेक करते हैं क्या है। अब उसके अंदर ऊपर बिदमिश बोलते हैं उसको, मेरा ख्याल है यहाँ पे उसको तुकमलंगा या चिया सीड्स बोलते हैं, वो डली हुई है। उसके दरमियान ग्रे कलर का कोई वो लेमन टाइप का एलिमेंट और नीचे बेचारा थोड़ा सा रूह अफजा। जब मजरू का ग्लास है मैंने कहा मजरू वाला शरबत भी लाएं, वो कैसा है? मजरू उधर भी मजरू मजरू बिल्कुल मजरू नहीं था, मजनू के ग्लास में 10 तो कलर थे उसमें, कौसे कजा के और ऊपर गुलाब की पत्तियां डाली हुई है। जैसी मजनू वाला ग्लास है मलीना कहती है माय गॉड दिस इज टू गुड। हम सब हैरान और परेशान थे जिस भी मजनू को उन्होंने सजा के पेश किया था। आई थिंक जो वो आपकी वाली बात की जी, जो मर्द हजरात डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो
रहा है, बरसाव हो रहा है, वो ड्रिंक दे के आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लैला इतनी, लेकिन बताना शानदार सी विजय नहीं, सुमेरा ने मजनू को कैसे कट कट करके पी लिया और मुझे उसके बाद चुन्नी का रिस्पॉन्स के बाद कट कर गए, उसके बाद मजनू नजर आया वैसे। अच्छा उसके बाद तीनों का ऑर्डर बदल गया, हमारे होस्ट कहते हैं कि आगे पीछे कारपेट बुनाई हो रही थी और दरमियान में उन्होंने इतना इको फ्रेंडली पौधों का भरा हुआ ये कॉफी शॉप बनाया था, बहुत वो भी अगर हो सके और मैं बिल्कुल गुजर सकते बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने अंदर ही उसकी एक एक नई दुनिया नजर आ रही थी और उनका इको फ्रेंडली मेरे ख्याल से उनके हर रेस्टोरेंट्स में बहुत इतनी ग्रीनरी देखी जाती, छोटे छोटे आपने मैसेज देने ईद के लिहाज से सारों ने, और फिर एक एंड में एक खुसूसी पैगाम हमने उसको सरप्राइज रखा है, आपसे शुरू करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जब हमने ईरान का विजिट किया तो अपने मुल्क के लिए यही था कि हमें नेशन के तौर पर काम करने की जरूरत है, हम ब्लेम गेम करते हैं जिससे फिर इशूज़ बढ़ते हैं, हमें इशूज को अगर रिजॉल्व करना है तो हर शख्स को अपने तय काम करने की जरूरत है। बिल्कुल क्या बात है, तो मेरे भी कमोबेश यही अल्फाज हैं कि जब बाहर जाते हैं तो सब्स पासपोर्ट का मजाक तो बहुत लोग उड़ाते हैं, इन्हीं सब्स पासपोर्ट्स पर बाहर मुल्कों में जाकर आपको आप ग्रीन कार्ड्स लेते हैं, आप दूसरे मुल्कों की शहरियत लेते हैं, लेकिन इस सब पासपोर्ट की कदर व कीमत आपको पता चलती है जब आप दूसरे मुल्क के सफर में जाते हैं। इफ़ यू आर इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव तो तब आपकी इज्जत होगी, आपकी इंडस्ट्रीज को ग्रो करेंगी, ऊपर से आपका कल्चर है वो साथ, और ये सारी चीज़ें होलिस्टिक एक पैकेज है, आपकी कोई ऐसी नहीं है कि जी इस तरह के आपका पासपोर्ट ही, आप देखें जो दी नेशन दे आर ग्रैंड लाइक जिनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वही नेशन आई थिंक, तो पाकिस्तानियों को यही मेरा पैगाम है कि जिस तरह के आपने ईरान में देखा एक्सेप्शनल चीज़ें देखी, उनका कल्चर देखा, उनका हिस्ट्री का प्राइड है, एथनिक प्राइड है, कंट्री पर प्राइड है, तो मेरे ख्याल हम पाकिस्तान को ऑन नहीं करते, जिस दिन हमने पाकिस्तान को ऑन करना शुरू किया, ऑन करना फिर होलिस्टिक हो जाता है, फिर आप मुल्क को ऑन करते हैं, फिर आप उसको अपनाते हैं, हम अपनी किसी चीज़ को अपना नहीं रहे होते, अगर ये अपनाइए जिस दिन हो गई तो मेरा ख्याल है फिर वी आर लाइक अ नेशन लाइक वी कैन से ईरान लाइक अ बिगर नेशन। बिल्कुल मरियम, मेरा मैसेज यही है कि क्योंकि कुर्बानी की ईद है, रिलीजियसली भी कुर्बानी कर ही रहे हैं, तो हमने वहाँ भी देखा जहाँ भी मुल्क में जाते हैं हम यही देखते हैं कि नेशंस जो होती हैं वो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देती हैं तभी वो कुछ ना कुछ बन जाती हैं, तो जहाँ हम यहाँ रह के भी इतना कुछ सफ़र कर ही रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिवली हर बंदा अगर अपने अपने लेवल पे जाके कुर्बानी दे दे तो आई थिंक हम आने वाले सालों में इन सारी कॉमर्स से ऊपर जा सकते हैं, क्रिएटिविटी तो बहुत है। एब्सोल्युटली दूसरों को भी दें, और तीसरा अगर मुमकिन हो सके तो सफर करें, अगर सफर आप करेंगे तो सफर के दौरान आपको एहसास होगा कि अपने घर की अहमियत, अपने मुल्क की अहमियत, हर चीज, ये अपना मुल्क भी अपना घर लगता है जब बाहर जाते हैं, तो जैसे सुनहरा ने कहा था कोई पश्तून हो, कोई बलोच हो, कोई सिंधी हो, कोई पंजाबी हो, वहाँ जाके सारे अपने अपने लगते हैं, पीएए का एक फ्लैग भी अपना अच्छा लगता है। इसी के साथ ही आप लोग के लिए सरप्राइज एक हमने आखिर में ये रखा है कि हमारे लिए, हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा ही खास ईद के मौके पर पैगाम है, आप गेस कर सकते हैं किसके तरफ से। अगर हातिम मतीन हुआ तो राइट आगा पूया मिर्ज़ई जो कि पर्शियन जर्नलिस्ट हैं ईरान के, और हमारे साथ उनका एक बड़ा ही अच्छा, हमारा बल्कि उनके साथ एक बड़ा ही अच्छा खुशगवार एक ये हमारा ट्रिप रहा, हमारा विजिट था, और ही मेड श्योर कि हम बड़े कंफर्टेबल हों, चीज की तकलीफ ना हो, एक मेहरबान माँ की तरह ख्याल रखा, तो सैल्यूट यू पूया। बिल्कुल, और आगा पूया मिर्ज़ई की जानिब से हमारे लिए और आप सब के लिए और हमारी आवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही खुसूसी पैगाम। दिस इज पूया मिर्ज़ई, आई एम एन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रॉम ईरान, आई वुड बी ग्लैड टू सेंड माय बेस्ट विशेस टू यू फॉर द कमिंग ईद, एंड आई विश यू प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर दिस ईद। I'd be also glad to wish for those who have been to the Hajj pilgrimage to be accepted, and for the ones who are looking forward, inshallah next year would be their turn.
to go to these wonderful pilgrimage. من از این موقعیت استفاده میکنم برادران و خواهران عزیز در کشور پاکستان تبریک میگم این عید مبارک و سعید رو به شما. امیدوار هستم که در کنار خانوادتون سلامت و پیروز باشید. عزیزانی که امسال مشرف شدن به مراسم حج انشاءالله که مقبول باشه و عزیزانی که هنوز مشرف نشدن انشاءالله سالی که در پیش رو دارن حتما این اتفاق بزرگ براشون بیفته. I'd also to be glad to use this opportunity to send my best wishes and regards to my friends Mr. Wasim Abbasi, Mr. Shams Abbasi, Mr. Anwar Reza, Ms. Samira Khan, Samira Rafiq, Ms. Mariam Nawaz, and Ms. Alina Shingri that visited our country. We have spent a wonderful, splendid time together, and I wish this kind of communication to be long-lasting, and it would be a basis for better communication between two nations, between Iran and Pakistan. Definitely we have lots of cultural, language and social common issues, and inshallah in the future we would have a very warm and communicative bonds between two countries and two nations together. Thank you very much.